अकाली दल के 9 विधायकों के खिलाफ परचा दर्ज कर लिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री का घिराओ करने की कोशिश की गई थी विधानसभा दे बाद। देखो मैं समझदा कि पंजाब के श्रोमणी अकाली दल के एम एल ए के खिलाफ जिहड़ा परचा दर्ज किया गया हरियाणा सरकार के हुक्मां दे उत्ते कि उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया सीगा, ये बहुत ही मंदभागी अनडेमोक्रेटिक स्टैप है। और मैं समझदा कि राजनीति दे विच जिहड़ी सहनशीलता की घाट आ रही है और जिहड़ी तंगदिली वध रही है ये उहदी मूंह बोलती उदाहरण। अज भी तुसीं वीडियो देख लो कि साडे एम एल ए साहिबान ने विधानसभा के बाहर जिहड़ा मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। पर मैं खट्टर साहब नूं बेनती करदा कि वो वीडियो कढ़ा के देखण जदों हरियाणा के एम एल ए ने जिहड़ी पंजाब की विधानसभा चलदी दे उत्ते धावा बोलिया सी ते विधानसभा दे सानूं दरवाजे बंद करने पए सी, वो दरवाजे खड़काउंदे रहे सी अंदर एंटर करन वास्ते। पर उस वेले भी साडे स्पीकर साहब ने साडी सरकार ने यह कह के कि वह लोगों के चुने हुए नुमाइंदे है, चलो गुआढ़ी सूबे दे है, जे वह प्रोटेस्ट कर भी गए हैं तो सानू सहज तो कम लेना चाहिए, प्रोटेस्ट करना एम एल ए का हक है। हुण जे तुसीं किसानां उत्ते जबर किया, नजायज़ उन्हां दे उत्ते वायलेंस किया, रोकां लाईआं, तो साडे एम एल ए साहिबान ने हाउस के बाहर जिहड़ियां उत्ते जाके प्रोटेस्ट कर दिता, दो नारे ला दिते, तो किड्डा कु वड्डा जुर्म हो गया। खट्टर साहब को चाहिए सी कि असी तो उन्होंने उम्मीद करते कि वह एम एल ए साहबान उत्थे बुलाते ज अपने कैबिनेट बुलाते ज घर बुलाते तो सगों उन्होंने गल पुछते, उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते। पर इस तरीके परचे दर्ज करना जे राजनीति दे विच काम चालू हो गया तो मैं समझदा इहदा कोई अंत नहीं है, ये गलत परंपरावां जिहड़ियां ने ये सैट कीते जाने। जदों बाहर किसी नाल ज्यादती हुंदी है उहदी आवाज़ विधानसभा दे विच उठदी है, और इतने उल्टा हो गया कि जिहड़े एम एल ए साहबान लोगों की आवाज़ उठाने वास्ते विधानसभा आए हैं विधानसभा के गेट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट करने के उत्ते ये हाल हो गए। इहदा मतलब भी हुण तां एम एल ए बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सके कहिंदे, फिर वो बेचारे उन्हों का हक कितने गया जो संविधान ने इन्ना वड्डा उन्होंने अपना एक्सप्रैशन का रोस प्रकट करने का हक दिता। इस करके बहुत गलत है कि इस जिहड़ा रद्द होना चाहिए, और हरियाणा की जिहड़ी सरकार है मैं समझदा उन्होंने जिहड़ी हैगी गंभीरता तो कम लेना चाहिए।